हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। आज हम लोग देखेंगे हाउ टू क्रैक जीप मैट 2024। तो इसका फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट इंटीग्रेटेड प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट। तो जो लोग इसमें 5 ईयर इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट का कोर्स करना चाहते हैं तो वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें आपको जो है बैचलर का डिग्री और ग्रेजुएशन आपका हो गया और एमबीए का डिग्री एक साथ आपको इसके थ्रू डिग्री मिलेगा। तो इंस्टीट्यूट नेम, इसमें दो इंस्टीट्यूट के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। पहला आईआईएम बोधगया जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बोधगया है, इसके अंतर्गत जो है 60 सीट उपलब्ध है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जम्मू, इसके अंतर्गत भी 60 सीट उपलब्ध है। तो दोनों के द्वारा जो है कंबाइंड एग्ज़ाम जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा कराया जाएगा। तो अप्लाइंग डेट इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं 22 मार्च 2024 से 21 अप्रैल 2024 तक। एग्ज़ाम डेट इसका एग्ज़ाम जो है 6 जून 2024 को कंडक्ट होगा। तो एलिजिबिलिटी, इसके लिए एलिजिबिलिटी आपको होना चाहिए शुड हैव पास्ट 10+2 एग्ज़ाम इन आर्ट्स साइंस और कॉमर्स और इक्विवेलेंट इन 2022 और 2023 और इज अपियरिंग इन 2024। तो कोई भी सब्जेक्ट से 10+2 एग्ज़ाम आपको पास हुआ होना चाहिए, आर्ट्स से या फिर साइंस से या फिर कॉमर्स से, कोई भी सब्जेक्ट से होना चाहिए और इक्विवेलेंट या फिर इसके समतुल्य। जो लोग नेशनल ओपन स्कूलिंग से जो लोग पास किए हैं तो वो लोग भी एलिजिबल हैं। और तो 2022 में जो लोग पास कर चुके हैं या फिर 2023 में जो लोग पास कर चुके हैं या फिर 2024 में जो लोग अपीयर हो रहे हैं या फिर अपीयर हो चुके हैं या फिर अपीयर होने वाले हैं वो लोग भी एलिजिबल हैं। और दूसरा कंडीशन इसके अंतर्गत रखा गया है मस्ट हैव पास्ट क्लास 10th एग्ज़ाम इन द ईयर नॉट बिफोर 2020। तो जो है क्लास 10 का एग्ज़ाम जो है आपको इसके पहले का आपको नहीं हुआ होना चाहिए, इसे बाद का आपको पास हुआ होना चाहिए। तो इसमें 2020 भी आपको इसमें शामिल है, 2020 और 2021 ये आपका हो गया। एग्ज़ाम पैटर्न, इसका एग्ज़ाम जो है आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्ज़ाम लिया जाएगा जो कि 100 क्वेश्चन 400 मार्क्स का होगा। इसके लिए आपको टाइम जो है 2.5 घंटे का टाइम आपको इसके अंतर्गत दिया जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं इसका एग्ज़ाम पैटर्न। इसका एग्ज़ाम में आपको 3 सब्जेक्ट से इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो कि इसमें 33 क्वेश्चंस 132 मार्क्स का रहेगा। तो एक क्वेश्चन जो है आपका 4 मार्क्स का इसमें है। दूसरा पेपर आपका डाटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग, तो इसके अंतर्गत जो है 33 क्वेश्चंस 132 मार्क्स का रहेगा। और वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कम्प्रिहेंशन, इसके अंतर्गत जो है 34 क्वेश्चंस 136 मार्क्स का रहेगा। तो इसके लिए आपको कंबाइंड टाइम जो है 150 मिनट का टाइम आपको कंबाइंड टाइम मिलेगा। और इसके अंतर्गत जो है निगेटिव मार्किंग आपका इसमें 1 मार्क्स निगेटिव मार्किंग रहेगा। अब हम लोग देख लेते हैं इसमें बुक्स एंड स्ट्रेटजी। तो किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको 3 बेसिक चीज़ का होना जरूरी है। पहला बुक्स, आप कैसा बुक सेलेक्ट करते हैं उस पर सक्सेस निर्भर करता है। दूसरा स्ट्रेटजी, आप कैसा स्ट्रेटजी अपनाते हैं उस पर सक्सेस निर्भर करता है। और तीसरा गाइडेंस, आप कैसा गाइडेंस लेते हैं। तो पहला आपका है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो इसमें जो है मैथ का आपको बेसिक क्वेश्चन जो है 10th लेवल का आपका इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। और दूसरा है आपका डाटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग, तो डाटा इंटरप्रिटेशन में कोई भी आपको डाटा दिया रहेगा उसके आधार पर आपको कुछ इसमें निष्कर्ष निकालने के लिए इसमें बोला जाएगा, उसी तरह से रिलेटेड आपका क्वेश्चंस रहेगा। और लॉजिकल रीजनिंग तो आपका लॉजिक से रिलेटेड है। वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कम्प्रिहेंशन, तो इसके अंतर्गत जो है आपका इंग्लिश ग्रामर जो है आपका बेसिक इंग्लिश ग्रामर इस रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसमें कम्प्रिहेंशन भी आपको दिया रहेगा, रीडिंग कम्प्रिहेंशन कोई एक कम्प्रिहेंशन दिया रहेगा उसके आधार पर कुछ क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो बुक्स एंड स्ट्रेटजी के लिए आप देख सकते हैं
हाउ टू क्रैक SBI जूनियर एसोसिएट। ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दिया हुआ रहेगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें डिटेल में बताया गया है कि इसके अंतर्गत हर एक पेपर के लिए हम लोग कौन कौन सा बुक सेलेक्ट करेंगे। तो इसमें आपको तीनों पेपर के लिए आपको मिल जाएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए हम लोग कौन सा बुक सेलेक्ट करेंगे, रीजनिंग के लिए कौन सा बुक सेलेक्ट करेंगे और ग्रामर के लिए हम लोग कौन सा बुक सेलेक्ट करेंगे, ये आपको तीनों इसमें मिल जाएगा। और स्ट्रेटजी, हम लोग अपना स्ट्रेटजी इस एग्ज़ाम के लिए किस तरह से बनाएंगे, किस तरह से अपना तैयारी करेंगे ताकि जो है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सके, तो ये भी आपको डिटेल में मिल जाएगा। तो इसमें आपको SBI जूनियर एसोसिएट में इसमें आपको GK से रिलेटेड भी क्वेश्चन रहता है, GK कंप्यूटर, इससे आपको मतलब नहीं। आपको तीन पेपर आपको ये सिर्फ आपको देखना है। तो कट ऑफ मार्क्स इसके लिए जो है आप, तो ये तो ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम होता है, इसमें 80% मार्क्स आप स्कोर करते हैं तो इसमें आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। तो इस तरह से आप तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।